उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ट्रैक्टर परेड के दौरान फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, नगीना थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव में पूर्व प्रधान रईस अंसारी ने अपनी पिस्टल से फायरिंग कर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। वहीं रईस के फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने जीतपुर निवासी रईस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने रईस अंसारी की पिस्टल और कार को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। बिजनौर में फायरिंग करते समय एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ। जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि नगीना थाने के जीतपुर गांव का रईस प्रधान है, जो लाइसेंसी पिस्टल धारक है। ट्रैक्टर रवाना करते समय इसने फायरिंग किया था। यद्यपि जनपद स्तर की मीटिंग में सबको आगाह किया गया था कि तहसील तक कोई भी ट्रैक्टर नहीं जाएगा, अधिकांश लोगों ने इसका पालन किया, लेकिन उसने उस आदेश का और 144 का उल्लंघन किया, इसलिए इसके खिलाफ 307 IPC जो फायरिंग किया था, 30 आर्मशिफ्ट और महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसको मैक पिस्टल बोलेरो गाड़ी को नगीना पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है।